नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। आप देख रहे हैं थिक 360। राजस्थान में सरकार बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। अंदेशा पहले से था और अपने विश्लेषणों में मैं लगातार कहता रहा कि जनता का कांग्रेस के खिलाफ जो विद्रोह है वो नजर आएगा ईवीएम में। अब सशस्त्र क्रांतियां नहीं हुआ करती, नेता जो है वो ईवीएम से निकलते हैं। राज्य लक्ष्मियां तय करने के लिए युद्ध नहीं होते, चुनाव होते हैं। और इन चुनावों में मैंडेट आया है बीजेपी के पक्ष में। सवाल सबसे बड़ा खड़ा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के इस मैंडेट में सिपहसालार कौन होगा। कई नए नाम आ रहे हैं, जिनमें प्रकाश गुप्ता का नाम आया है, जिनमें नाम आया है ओम माथुर का, अश्विनी वैष्णव का और ओम बिड़ला का। लेकिन अभी भी सीएम रेस में वसुंधरा राजे कहीं पीछे नहीं है। मुख्यमंत्री कौन होगा, बड़ा सवाल है। कई विधायक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिलने पहुंचे, जिनमें बाबू सिंह राठौड़ हैं। रामस्वरूप लांबा ने तो यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही बनेंगी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अमित शाह के निर्देशन में और राजे के मार्गदर्शन में जो काम हुआ उसके चलते सरकार बीजेपी की बनी है, ऐसा कहना है रामस्वरूप लांबा का। लेकिन बीजेपी की जो परंपरा है विधायक बनाने की, वो है कि विधायक दल की बैठक में नाम बताया जाएगा। सतीश पूनिया ने कहा था, राजेंद्र राठौड़ ने कहा था कि ऊपर से एक नाम आएगा और सब उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। लेकिन राजेंद्र राठौड़ सतीश पूनिया दोनों ही सदन नहीं पहुंचे हैं, विधानसभा में नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में जो चूंकि विधायक दल की बैठक में दोनों ही कद्दावर उपनेता प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष शामिल नहीं होंगे, ऐसे में यह देखा जा रहा है कि राजस्थान की विधानसभा में अब जो सरकार बनेगी उसकी सदारत यानी कि सदन का नेता कौन होगा, बड़ा सवाल है। किसे विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा, प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा। कांग्रेस 5 दिसंबर को बैठक बुलाएगी और तय करेगी कि प्रतिपक्ष का नेता किसे होगा। हार के कारणों पर एक कमेटी बना के कांग्रेस जिस तरह की परिपाटी बनाती रही है, निभाती रही है, उस ओर जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी में कैसे मुख्यमंत्री का चेहरा तय होता है। भाजपा में चूंकि संसद का शीतकालीन सत्र चालू हो चुका है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रभारी अरुण सिंह दिल्ली में हैं, नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी, बैठकें। बीजेपी 3 राज्यों में किसके हाथ में सत्ता रहेगी, कौन मुख्यमंत्री होगा, अगली पीढ़ी में कौन आएगा राजनीति में सदारत करने, या पुरानी पीढ़ी को ही सत्ता सौंपी जाएगी। लेकिन राजस्थान के लिए कहा जा रहा है कि चौंकाने वाला नाम आ सकता है। अभी जो नाम चल रहे हैं उसमें वसुंधरा राजे हैं, उसमें पुराने नेताओं में जो है वो ओम प्रकाश माथुर संगठन के बड़े नेता रहे हैं। उसके अलावा प्रकाश गुप्ता का नाम, प्रकाश चंद का नाम आ रहा है, जो कि राजस्थान ही से हैं, लघु उद्योग भारती के बड़े पदाधिकारी हैं, संघ के खेमे से हैं। ऐसे में बीजेपी क्या एक नया प्रयोग करेगी राजस्थान में, बड़ा सवाल है। वसुंधरा राजे इस प्रयोग के बाद क्या करेंगी, यह भी बड़ा सवाल है। या 25 की 25 सीटें जीतने की जो कोशिश है, जो चाह है, जो बीजेपी की मनोवांछा है, उसमें बीजेपी जो है वो किस ओर जाएगी कि वो वसुंधरा राजे के हाथ में ही सत्ता सौंप दे। तमाम तरीके के सवाल आते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए अब पहला टास्क है मुख्यमंत्री का चयन करना और दूसरा टास्क है राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर नजर के लोकसभा में मोदी जो सरकार है वो मेजॉरिटी से आए। अमित शाह कई बार अपने संबोधन में कह चुके हैं, फिर एक बार मोदी सरकार, मतलब तीसरी बार भी प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी ही होंगे। ऐसे में राजस्थान का ये चुनाव परिणाम जो है वो बीजेपी का भविष्य तय करने की ओर है। लेकिन इस भविष्य तय करने की दिशा में मुख्यमंत्री के नामों में कई सारे नेता हैं। बालकनाथ है तिजारा से, जो कि कोशिश कर रहे हैं, युवा है, अनुभव क्या, राजस्थान प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा भूभोग वाला प्रदेश है, आबादी इतनी है कि पूरे ब्रिटेन की जितनी आबादी है उतनी आबादी राजस्थान अकेले की है। ऐसे में दुनिया में सिर्फ 19-20 देश ही ऐसे हैं जिनकी आबादी राजस्थान से ज़्यादा है। तो ये बड़ा इलाका है, अलग अलग तरह का भूभाग, अलग अलग तरह की बोलियाँ, और ऐसे प्रदेश को चलाने के लिए जिस नेतृत्व वाले व्यक्ति की ज़रूरत है वो व्यक्ति बीजेपी को अपने ही जो चुने हुए नेता हैं उनमें से मिलेगा या संगठन में से कोई आएगा, बड़ा सवाल है। लेकिन अब जल्दी ही 1-2 दिन में ही ये फैसला होगा कि ऊपर से एक नाम दिया जाएगा और उस नाम को लेके विधायक दल की बैठक के अंदर डिक्लेरेशन होगा कि ये व्यक्ति है, और उसके पीछे विधायक दल तय करेगा कि जी हमें ये स्वीकार है। बीजेपी की यही परंपरा रही है, और कांग्रेस में तो चूंकि नाम 10 जनपद से आता रहा है, यह माना जा रहा है कि 7 दिसंबर को नए मुख्यमंत्री जो है प्रदेश में शपथ ले सकते हैं। बीजेपी जल्द ही मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला कर सकती है। नमस्कार, राजस्थान के जो खास जो ये अपडेट हैं राजनीति से जुड़े हुए, उनसे रूबरू रहने के लिए सब्सक्राइब करें थिंक 360 को।